कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्ट्रेट शिवपुर पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करके चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की। राधेश्याम मीणा मुंडला ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुर जिला कृषि प्रधान जिला है और कृषि ही जिले में मुख्य आय का स्रोत है। व्यापारिक गतिविधि भी कृषि पर आधारित है। शिवपुर जिले में धान की फसल का रकबा गत वर्ष की तुलना में 20-30% अधिक होने का अनुमान है, जिसके कारण बिजली सप्लाई पर अत्यधिक लोड है। जिले के अधिकतर फीडर ओवरलोडेड हैं और बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने से किसान को धान की फसल को करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित कोटा बैराज, जो कि अपनी क्षमता का 100% जून माह में ऊपरी इलाकों में अच्छी बारिश के कारण भर चुका है और पानी की निरंतर आवक के कारण ओवरफ्लो पानी को चंबल नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। श्योपुर जिले में किसानों को धान फसल में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है, इसलिए ओवरफ्लो पानी को चंबल नदी में छोड़े जाने की बजाय चंबल नहर में छोड़ा जाए, ताकि किसान धान की फसल की सुचारू रूप से सिंचाई कर सकें और श्योपुर जिले में उत्पन्न बिजली समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि चंबल नहर में पानी छोड़ने की मांग नहीं माने जाने की स्थिति में क्षेत्र का किसान वर्ग क्रमिक रूप से हड़ताल, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने को बाध्य होगा। क्षेत्र के किसानों की ओर से कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी छोड़े जाने को मांग को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम कलेक्टेड पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया है और मांग की है चंबल नहर में पानी तत्काल छोड़ा जाए, ताकि किसान अपनी धान की फसल की सिंचाई सुचारू रूप से कर सके। इसके अलावा जो जिले में बिजली समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रत्येक फीडर ओवरलोडेड है, उसकी समस्या का समाधान भी चंबल नहर में पानी आने के बाद हो सकता है, क्योंकि जो चंबल कमांड का एरिया है उस एरिया के किसान चंबल नहर के पानी से अपनी धान की फसल की सिंचाई करेंगे तो बिजली की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज हमने प्रशासन से मांग की है, अगर इस मांग को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है, चंबल नहर में पानी छोड़ने की यहाँ से डिमांड नहीं भेजी जाती और पानी छुड़वाने के लिए प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में श्योपुर क्षेत्र के किसानों के साथ चंबल नहर में पानी छुड़वाने की मांग को लेकर उग्र व व्यापक आंदोलन किया जाएगा।